राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू ह्यूंडई की ग्रैंड i10 नियोस। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये स्पोर्ट्स वाला है CNG के अंदर। कार के अंदर आपको मिलते हैं 6 डिफरेंट कलर के ऑप्शन। कार के साथ मिलती है आपको एक रिमोट कंट्रोल की, एक आपको मिलती है नॉर्मल की। की के अंदर मिलता है आपको लॉक अनलॉक के लिए, और यहाँ से मिलता है होल्ड करके बूट कर एक्सेस करने के लिए। लॉक अनलॉक पे ऐसा कुछ साउंड मिलते हैं। इनकेस इस साउंड से आप इरिटेट होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इन बटन को एक साथ दबा के रखना है कुछ सेकंड तक। उसके बाद इसकी हेजार्ड लाइट ब्लिंक करेगी कुछ इस टाइप से, और अब आपका साउंड जो है लॉक अनलॉक पे ये बंद हो चुका है। बात करें फ्रंट से तो यहाँ ह्यूंडई का लोगो सेंटर में देखने मिलता है। ग्रिल के अंदर आपको पियानो ब्लैक देखने को मिलता है। नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट इधर देखने के लिए मिलती है। नीचे साइड मिलती है आपको इसकी LED DRL, और यहाँ मिलता है आपको हाई और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर येलो लाइट के साथ में। इंडिकेटर लाइट भी आपको हेलोजन सेटअप के अंदर मिलती है। कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है। हुड पे कुछ ऐसी डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है आपको। और इधर बात करें तो ये साइड प्रोफाइल है। इसके अंदर 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर के अंदर आपको डम ब्रेक देखने मिलते हैं। इसके अंदर बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल मिलते हैं। बॉडी कलर आपको ORVM देखने मिलते हैं। इंडिकेटर लाइट यहाँ देखने मिलती है। ये इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं, जो आपको अंदर से करने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको स्टील रिम मिलते हैं, बट इसका जो इसका व्हील कवर है ये एलो व्हील की डिज़ाइन के अंदर मिलता है। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/16R15 इंच का आपको स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल कार की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। यहाँ पे GI10 का आपको बैच देखने को मिलता है पीछे वाले पिलर पे, देख सकते हैं। और इसके रियर डोर की बात करें तो ये आपका इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक लगाने के लिए मिल जाता है। और इसके फ्रंट डोर की बात करें, और इनकेस इसकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पर आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। कार का फ्रंट डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए टिप्स देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि CNG वेरिएंट है तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, और इमरजेंसी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 1 लीटर के लिए बोतल के लिए स्पेस। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। इंटीरियर जो है आपको ड्यूल टोन में मिलता है, ब्लैक एंड बेज के अंदर। यहाँ पे आपको 3D ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे स्पेस मिलता है। ये पैनल पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। यहाँ पे मिलता है आपको डाउन के लिए, आपके लिए नहीं मिलता है ये, बाकी आपको नॉर्मल मिलते हैं। पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए, कार को लॉक और अनलॉक के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिक फोल्ड के लिए मिलता है कुछ इस टाइप से, और इलेक्ट्रिक अनफोल्ड के लिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की बात करें तो ड्राइवर वाली सीट मिलती है आपको 6-way एडजस्ट आगे पीछे अप एंड डाउन और रिक्लाइन के लिए। को पैसेंजर वाली मिलती है आपको 4-way एडजस्ट। सीट जो है फैब्रिक प्लस आपको लेदर मिलती है। इस साइड लेदर और यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट देखने के लिए मिलती है। सीट के अंदर आपको एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, उसका बैज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने मिल जाएंगे स्टैंडर्ड। अब केबिन के अंदर बैठते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे IRM जो है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है कुछ इस टाइप से। इधर मिलता है आपको टोल रिसीव के लिए, यहाँ पे आपको माइक के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है, और इधर मिलता है आपको वेंटी मिरर। इधर मिलता है फ्रंट के अंदर ग्रैब हैंडल। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा स्पेस देखने मिलता है। इसके अंदर फर्स्ट एड किट और कार की मैनुअल डायरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, फ़ोन रखना चाहें तो रख सकते हैं या फिर अपनी चाबी वाबी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। 8 इंच का इसके अंदर आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है जो आपको USB से चलाने के लिए मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, FM और रेडियो मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 फ्रंट के अंदर, 2 रियर के अंदर देखने मिलते हैं। अगर टच स्क्रीन यूज़ नहीं करना है तो एडिशनल आपको यहाँ बटन्स दे रखे हैं, जिसको अगर यूज़ नहीं करना तो आप बटन से यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसके सेटिंग्स के अंदर जाके देखें तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं, साउंड के लिए, डिवाइस कनेक्शन के लिए, डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के अंदर आप अपनी फैमिली फोटो लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ से डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्ट होम पे जाने के लिए मिल जाता है। तो इस टाइप के इसके अंदर फीचर देखने मिलते हैं। और ऑल मेन्यू पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फीचर देखने मिलते हैं, फ़ोन के लिए, वॉइस मेमो, क्वाइट मोड, सेटिंग्स के लिए सारी चीज़ें। और बात करें तो यहाँ नीचे साइड में AC वेंट मिलता है। यहाँ पे आपको हेजार्ड लाइट के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। मैं इसके रियर कैमरे की क्वालिटी चेक करा देता हूँ आपको एक बार रिवर्स गियर लगा के। तो रिवर्स कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसी देखने मिलती है। सेटिंग्स में जाके आप इसके अंदर ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बात करें तो अभी इंजन मैंने स्टार्ट कर रखा है। AC के ब्लोअर की स्पीड मैंने 2 पे कर रखी है। इंजन का साउंड सुन सकते हैं। और अभी मैंने इसको CNG मोड पे एक्टिव कर रखा है। तो पर्सनली 4 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी मुझे काफ़ी साइलेंट लग रहा है कैबिन के अंदर। तो इंजन बाद में इंजन स्टार्ट करके मैं आपको आगे फ्रंट से भी इसकी नॉइज़ सुना दूंगा कि इंजन की आवाज़ कितनी आती है। यहाँ मिलता है आपको मैनुअल एडजस्टेबल AC के कंट्रोल। यहाँ पे मिलता है आपको फैन की स्पीड, डिफोगर ऑन करने के लिए, टेम्परेचर सेट करने के लिए इधर मिलता है, ये भी मैनुअल मिलता है। ये हीटर AC का दोनों काम करेगा, बट आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ AC को ऑन ऑफ के लिए मिलता है। सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट चालू हो जाएगी। यहाँ पे मिलता है आपको कंट्रोल, पैर पे हवा चाहिए, मुंह पे हवा चाहिए, डिफोगर ऑन
करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ स्पेस मिलता है, नीचे साइड मिलता है आपको टाइप ए यूएसबी के लिए 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, इधर मिलता है आपको टाइप सी फास्ट चार्जर साथ में, यहाँ मिलता है आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स के साथ में, यहाँ पे लेदर यूज़ करा गया गेयर बॉक्स पे, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश, इस साइड मिलता है आपको 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं आप यहाँ चाहे तो। इसके अंदर पैर के साइड में आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, देख सकते हैं ब्लू कलर की, ये एक ही लाइट मिलती है, कलर चेंज नहीं होता। इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये ओनली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के लिए बटन मिलते हैं, वॉइस कमांड, मोड चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, सॉन्ग चेंज करने के लिए, फ़ोन उठाने और फेवरेट करने के लिए। इधर मिलता है आपको फ्रंट वाइपर कंट्रोल, इधर मिलता है आपको लाइट के कंट्रोल जिसके अंदर ऑफ, DRL चालू करनी है, हाई बीम चालू करनी है ऑटो के लिए, इंडिकेटर और हाई बीम के लिए ऐसा देखने मिलता है। लाइट का थ्रो दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये इसकी हाई बीम है। और बात करें यहाँ पे आपको रबड़ी ग्रिप मिलती है, Hyundai का लोगो, क्लस्टर के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, जैसे अभी दिखाता हूँ अकॉर्डिंग इन्फो पे इतनी किलोमीटर चली हुई है, जस्ट नीचे करेंगे तो ड्राइवर इन्फो और नीचे करेंगे तो यहाँ डिजिटल आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है, और इधर करें तो टायर प्रेशर मॉनिटर आ जाएगा। सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं आपको सारे ऑप्शन जो यूज़र सेटिंग है इसकी, डोर लाइट सर्विस इंटरनल अदर फीचर के लिए। और यहाँ पे जैसे बटन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको पेट्रोल पे लेना है तो इस बटन को दबाना है, और यहाँ पे भी ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो चुकी है, तो ऐसे करके आप पेट्रोल और CNG पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए मिलता है, लाइट लेवल सेट करने के लिए मिलता है, नीचे फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ से आपका हुड ओपन कर सकते हैं, छोटा सा इसके अंदर आपको डेड पेडल मिल जाता है, फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ मिल जाता है, इसको बंद करते हैं। और जो AC है इसकी साइड वाली, ये आपकी 360 घुमा सकते हैं कुछ इस टाइप से, और यहाँ से बंद भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कार की सेफ्टी वाइज फीचर्स की, तो इसके अंदर ओवर स्पीड वार्निंग मिलता है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करती है। सीट बेल्ट वार्निंग के लिए देखने मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटर आपको क्लस्टर के अंदर देखने मिलता है। पीछे साइड में यहाँ पे मिलता है आपको चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए, तीनों पैसेंजर के लिए पीछे साइड में आपको सीट बेल्ट पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। इसकी ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करूँ तो कार के अंदर आपको ABS मिलता है, EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हील्ड होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, तो इस टाइप के इसके अंदर आपको सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाता है। पांचों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट वार्निंग भी देखने मिलती है। क्लस्टर के अंदर जैसे इंजन की लाइट है, जैसे कार स्टार्ट होगी इंजन की लाइट हट जाती है, इन केस ये लाइटें नहीं हटती तो आपकी कार के अंदर कोई फॉल्ट है, तो इसके अंदर आपको सिंबल मिल जाता है। बैटरी जैसे लो हो जाएगी तो उसके लिए बैटरी की लाइट होगी, इंजन के अंदर से अगर ऑयल लीकेज होगा तो उसके लिए, सीट बेल्ट के लिए आपको वार्निंग लाइट मिल जाती है, हैंड ब्रेक के लिए वार्निंग लाइट मिल जाती है, एक सर्टन लेवल से इसका फ्यूल का लेवल कम होगा तो उसके लिए भी इसके अंदर आपको लाइट देखने के लिए मिलती है। सीट की बात करें तो मैंने इसको ऑल द पूरा पीछे कर रखा है, तो यहाँ पे नी रूम मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, मेरी हाइट 5'11" है तो मैं काफी कंफर्टेबल बैठा हूँ, और हेडरूम में मुझे इसके अंदर मिल रहा है, और जिसका फायर एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, इनकेस आपकी कार के अंदर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए काम आएगा। तो फ्रंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्पीड के अंदर मैं इसको घुमाता हूँ तो साइड में ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, इनकेस मैं इधर उधर नहीं खिसकूंगा इसके अंदर जल्दी से, अगर सीट बेल्ट प्रॉपर लगा रखी है तो। अब चलते हैं इसके पीछे की सीट के अंदर, क्या स्पेस मिलता है, क्या फीचर मिलते हैं, पीछे बात करते हैं। तो कार की पीछे वाली सीट पे आ चुका हूँ मैं, पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है, ये सीट थोड़ी आगे है, ये सीट ऑल दो पूरी पीछे है रिक्लाइन के साथ में, तो यहाँ पे नी रूम ओके मिल रहा है, थाई सपोर्ट ओके है, बट इस साइड देख सकते हैं नी रूम ज़्यादा मिल रहा है, थाई सपोर्ट ओके मिल रहा है। यहाँ पे AC वेंट मिल जाएगा जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हैं, हेडरूम पीछे के साइड में आपको डिसेंट मिल जाएगा, तो मेरी हाइट के हिसाब से अगर इसमें कोई बैठ के जाते हैं 3 जने तो काफ़ी कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, अगर ऐसे कुछ होंगे तो इजीली बैठ सकते हैं 3 पैसेंजर, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा हम मिलता है तो आप इधर उधर इजीली हो सकते हैं। इधर आपको मैगजीन होल्डर के लिए नहीं मिलता बट आपको इधर देखने मिलता है। यहाँ स्पीकर रिप्लेसमेंट है, 1 लीटर की बोतल की स्पेस है, विंडोज़ के लिए कंट्रोल है, स्पेस मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाता है, और इधर भी वो सारी चीज़ें देखने मिलती है सेम। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है हुक के साथ में, इधर आपको ग्रैब हैंडल ही मिलता है, हुक नहीं मिलता। केबिन के लिए आपको लाइट मिल जाती है हैलोजन सेटअप के अंदर, जैसे अभी ऑफ है, ये डोर पे है और यहाँ से पर्टिकुलर ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको सेफ्टी टिप्स के लिए, इधर भी स्टिकर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ सीट बेल्ट के लिए मिल जाता है, ये पूरी आपको बेंच मिलती है, तो एक साथ इसको फोल्ड करके और ज़्यादा आप इसके अंदर बूट स्पेस भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो फोल्ड करके। अब चलते हैं इसकी बूट की तरफ में, तो कार के रियर प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने को मिलती है, यहाँ Hyundai का लोगो मिलता है, ग्रैंड आई10 लिखा हुआ मिलता है, स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ मिलता है, और नियोज यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। इसके अंदर रियर के अंदर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कैमरे की प्लेसमेंट आपको सेंटर में देखने मिलती है। इसकी लाइट की बात करें तो ये साइड वाली आपको DRL जो है ये LED मिलती है, बट आपकी इंडिकेटर लाइट, आपकी रिवर्स लाइट और मेन लाइट आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। 2 आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलते हैं, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, यहाँ आपको डिफोगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप यहाँ मिलता है, और यहाँ मिलता है आपको इसके अंदर एंटीना शार्फिन, और इसको बूट एक्सेस करना है तो बटन यहाँ मिल जाता है।
तो इसके अंदर आपको सीएनजी का जो किट है, ये कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर की आपको कैपेसिटी मिलती है, किलो के अंदर बात करें तो 10 किलो की इसी कैपेसिटी मिलती है आपको। यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे मिल जाती है, अगर इसको फोल्ड कर देंगे तो आप इसके अंदर बूट स्पेस ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो आती है उसके अंदर 260 लीटर का मिलता है, बट आप ये वाली सीटें फोल्ड कर देंगे तो आपको मेरे हिसाब से 400 से 500 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, और छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 से 40 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है अगर ये रहते हैं तो। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें, जो स्पेयर व्हील है वो नीचे मिलता है, ये मिलता है आपको 165/17R14 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में, और यहाँ पाने वाने देखने मिलते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए मिल जाते हैं, कैसे आपको ओपन करना है, कैसे आपको क्लोज करना है, और वार्निंग यहाँ मिल जाती है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और जो बटन है आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, इसको करता हूँ बंद, और यहाँ मिलता है आपको सीएनजी का स्टिकर। तो बंद होने के बाद कुछ ऐसी प्रोफाइल। फ्यूल टैंक की बात करें, पेट्रोल के अंदर 37 लीटर का इसका पेट्रोल का टैंक मिलता है। इस वेरिएंट की वारंटी पीरियड की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है 1 लाख किलोमीटर के साथ में, अप टू चाहे तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इसके अंदर रूफ रेल भी मिल जाती है, मैं बताना भूल गया था जल्दी जल्दी में, तो देख सकते हैं रूफ रेल अपने कंपनी फिटेड ही मिल जाती है। अब इसका हुड ओपन करते हैं, फिर करते हैं कार के इंजन की बात। तो कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऊपर साइड में आपको इंसुलेशन नहीं मिलता, वैसे सीएनजी के अंदर इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और इंजन अभी मैंने स्टार्ट कर रखा है, एसी भी इसकी ऑन कर रखी है, तो इंजन का साउंड सुन सकते हैं आप। तो 4 सिलेंडर इंजन काफ़ी साइलेंट मिल जाता है। बात करें इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है कापा सीरीज़ के साथ में, बीआई फ्यूल के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 68 बीएचपी, टॉर्क की बात करते हैं 95 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, इंजन जो है BA6 Phase 2 वाला है। अब बात करें इसके एक्सट्रीम प्राइस की, तो ऑल न्यू हुंडई ग्रैंड i10 नियो स्पोर्ट्स सीएनजी आपको मिलती है 8,23,000 एक्स शोरूम उदयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।